वेलकम फ्रेंड्स, कमोडिटी ट्रेडिंग मास्टर क्लास के पार्ट फोर में हम समझेंगे क्रूड ऑयल में ट्रेड का प्लान कैसे करें। तो इसको डीप में समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का पेज ओपन हो गया है। ये जो ट्रेडिंग व्यू का पेज है, ये मैंने फायर्स के टर्मिनल पे ओपन किया है। मैं अपने ट्रेडिंग के लिए फायर्स को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि फायर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप चाहो तो अपना फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से, जिससे आपको हमारा पूरा का पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप कोर्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, जिसका कॉस्ट आपके एक दिन के पॉकेट एक्सपेंस से भी कम है। और इसमें जो चार्ट लगा है वो क्रूड ऑयल का है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो टूल का कॉम्बिनेशन है CPR बाई आस्क दिनेश कुमार, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही हम लिंक को क्लिक करते हैं, एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा जो ट्रेडिंग व्यू का पेज रहेगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद एड टू फेवरेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ये आपके ट्रेडिंग व्यू के जो फेवरेट सेगमेंट है उसमें सेव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम ये ट्रेडिंग व्यू का पेज ओपन कर लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPR बाई आस्क दिनेश कुमार, ये हमारा फेवरेट में आ गया है। तो जैसे इंडिकेटर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फेवरेट में रहेगा। इसको आपको हमेशा सेव करके रखना है, ताकि जब भी आप चार्ट लगाएं तो ऑटोमेटिकली CPR बाई आस्क दिनेश कुमार आपका लग जाए और आपका ट्रेड करने के लिए या जो ट्रेडिंग सेटअप को अरेंज करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो इसको अभी फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको CPR बाई आस्क दिनेश कुमार को अपने ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे सेट करना है। तो ये हमारा CPR सेटअप लग गया। तो ये कंप्लीट सेटअप है। अब इसमें हम सबसे पहले क्रूड ऑयल का जो बिहेवियर है उसको जज करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग ट्रिक को चेक करेंगे। तो ओपनिंग ट्रिक के लिए हम ये सेटिंग में गए और ओपनिंग ट्रिक के लिए बाकी सारे इंडिकेशन को हटा देते हैं और सिर्फ हम करंट डे का ओपनिंग और प्रीवियस डे का क्लोज इसको रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट डे का ओपनिंग है, ओपनिंग में इनडिसाइसिव कैंडल बना है, डोजी टाइप का कैंडल बना है। तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमको नहीं मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिलने से हम यहाँ पे ओपनिंग ट्रिक के बेसिस पे आज के डेट में हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अब इसको प्रीवियस डेज में चेक कर लेते हैं। तो जैसे प्रीवियस डे है, तो प्रीवियस डे में भी इनडिसाइसिव कैंडल बना है। तो इनडिसाइसिव कैंडल बना है तो प्रीवियस डे में भी हम क्रूड ऑयल में ओपनिंग ट्रिक के बेसिस पे निर्णय नहीं ले सकते। उसके पहले अगर हम देखें तो उससे पहले भी जो फर्स्ट कैंडल है वो इनडिसाइसिव कैंडल है। तो क्रूड ऑयल में अगर हम ओपनिंग ट्रिक के बेसिस पे बात करें तो डिसाइसिवनेस दिखा नहीं है किसी भी दिन। प्रीवियस तीन दिन का हमने चेक किया है तो ठीक है, यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है, कोई बात नहीं है। अब इसको हम हमारा जो CPR है CPR लगा के चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग में गए, यहाँ से हमने CPR को पिकअप कर लिया। तो ये हमारा CPR लग गया। तो CPR में हमको ये चेक करना है कि प्रीवियस डे के रिस्पेक्ट में आज का CPR डिसेंडिंग CPR है। डिसेंडिंग CPR है मतलब ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन है। और उसके बाद दूसरा, हमारा जो प्राइस है वो CPR के नीचे है। CPR के नीचे है मतलब चांसेस नीचे जाने की ज़्यादा है, लेकिन जो CPR है वो वाइडर है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आने की संभावना कम है। तो CPR के बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है आज के डेट में। अब इसको हम फर्दर वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे इसमें 20, 50 और 200 का EMA लगा लेते हैं, ताकि हमको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो 20, 50 का जो EMA का लाइन है वो 200 EMA के लाइन के नीचे है। और अगर हम देखें तो दोनों लाइन यहाँ पे देखें तो दोनों हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो हॉरिजॉन्टल है तो उस कंडीशन में इनडिसाइसिवनेस बताता है। पहले हमको ये वेट करना है कि इसका जो लाइन है किसी एक साइड में इंक्लाइंड हो। तो जैसे यहाँ पे इसमें एक झुकाव आया है और प्राइस जो है CPR के नीचे है, तो यहाँ पे हमको एक इंडिकेशन मिल गया है कि प्राइस के नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे हमको एंट्री लेना है तो हमको क्या करना है, डे का जो हाई रहेगा, जो भी डे का हाई बना है, जो भी स्विंग हाई बना है, उसको स्टॉप लॉस रखना है। और इधर कहीं हम एंट्री करते हैं, जैसे CPR के नीचे एंट्री करते हैं और करंट डे ओपनिंग के नीचे अगर प्राइस है तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो नीचे की ओर रहेगा। तो सबसे पहला टारगेट हमारा S1 रहेगा या प्रीवियस डे लो जो पहले आ जाए, वो हमारा पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा S2 का लेवल। तो यहाँ पे
हमको CPR भी कंफर्म कर दिया नीचे जाएगा, 2050 और 200 EMA भी बोल रहा है कि नीचे जाएगा। अब इसमें हम हमारा जो टारगेट लेवल है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो टारगेट लेवल के लिए हम R1S1 एंड R2S2 इसको लगा लेते हैं और ओके कर देते हैं, और प्रीवियस डे का हाई लो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेटअप रेडी हो गया, सेटअप रेडी हो गया और प्रीवियस डे का हाई लो हमारा यहीं पे आ रहा है। तो जैसे हमारा यहाँ पे एंट्री है तो टारगेट हमारा यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको टारगेट जो है 1:2 का मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मेरा एंट्री होता है कि करंट डे का जो लो है उधर और जो CPR के नीचे, तो जो स्विंग हाई है उसको स्टॉप लॉस मान के अगर मैं 1:2 का टारगेट भी रखता हूँ तो प्रीवियस डे का जो लो बना है उसमें मेरा फर्स्ट टारगेट मीट कर जाता है। क्योंकि वाइडर CPR है इसलिए हमको बहुत बड़ा टारगेट रखना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करता है वो आप देख सकते हो सीधा S2 तक गया है। और जो हमारा जो चैनल पैटर्न है, अगर 20 और 50 का हम चैनल पैटर्न देखें तो फॉलिंग चैनल पैटर्न है, मतलब वन वे मूव आना है। तो चाहो तो आप इसी पर्टिकुलर कैंडल पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वाइडर CPR है तो हमको बड़ा टारगेट नहीं रखना है, हमको अपना रेशनल टारगेट रखना है, तर्क संगत रखना है और सेटअप के साथ वेरीफाई करना है। जब शुरुआत में ही इनडिसाइसिव कैंडल है तो हमको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक वेट करना है, और जब सारे टूल हमारा जब इंडिकेशन एक डायरेक्शन का देगा तभी हमको पोजीशन बनाना है। तो ये तो हो गया आज का। अब अगर इसको हम प्रीवियस डे में चेक करें तो प्रीवियस डे में भी शुरुआत में आप देख सकते हो कि जो CPR है कंपैरेटिवली नेरो है, डे के लो के आसपास डिसाइसिवली बड़ा कोई कैंडल बना नहीं है, इसीलिए इसमें उतना कुछ स्ट्रांग है नहीं। और प्रीवियस डे का लो है वो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो इसमें कुछ बड़ा मूव के लिए कोई कन्फर्मेशन हमको मिला नहीं है। तो मिला नहीं है तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो राइजिंग चैनल पैटर्न है या फॉलिंग चैनल पैटर्न है वो कन्फर्मेशन दे रहा है कि नहीं, या एक स्ट्रांग कैंडल का वेट करना है। तो इसमें जब स्ट्रांग कैंडल बना ही नहीं है तो हमको एंट्री लेना नहीं है इस दिन। इसके बाद उसके पहले देखते हैं, तो उसके पहले भी देखते हैं तो आप देख सकते हो मार्केट ओपन होने के समय में इसमें राइजिंग चैनल पैटर्न है बट वाइडर CPR है, वाइडर CPR है और जो 20 EMA का लाइन है वो 50 EMA के लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है, मतलब प्राइस में करेक्शन है। और डेज के ओपनिंग का भी अगर देखें तो इनडिसाइसिव कैंडल है, तो इनडिसाइसिव कैंडल है तो उस कंडीशन में हमको ट्रेड नहीं करना है। तो अगर हम प्रीवियस 3 डेज का देखें तो जो क्रूड ऑयल है उसमें मूवमेंट सेकेंड हाफ में ही ठीक ठाक मिला है। तो क्रूड ऑयल में अगर हमको ट्रेड लेना है तो या तो फर्स्ट कैंडल डिसाइसिव कैंडल हो तब हमको लेना है, या फिर जब सेकेंड हाफ में कंडीशन बने तो बेहतर कंडीशन इसमें सेकेंड हाफ में ही देखने को मिल रहा है। तो इसका बिहेवियर को आप चेक कर सकते हो जब आपका सेटअप के हिसाब से, जैसे ओपनिंग ट्रिक हो गया, CPR का सेटअप हो गया और जो हमारा EMA का कॉम्बिनेशन, तीनों सेटिस्फाई हो उस कंडीशन में ही हमको पोजीशन लेना है। जैसे यहाँ पे इस दिन देख सकते हैं, इस दिन यहाँ पे जो हमारा CPR के नीचे वो कैंडल का क्लोजिंग हुआ और वो डिसाइसिव कैंडल है, और जो 20 और 50 का जो EMA है वो भी नीचे का सिग्नल दे दिया है और 200 EMA से नीचे की ओर मूव आया है। तो तीनों जब एक साथ मिले हों और वहाँ पे एक स्ट्रांग बेरिश कैंडल बना है तो चांसेस है कि वो नीचे की ओर अच्छा टारगेट दे। तो क्रूड ऑयल में ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि क्रूड ऑयल में सेकेंड हाफ में ज़्यादा अच्छा मूव आता है फर्स्ट हाफ के कंपेरिजन में। तो अगर फर्स्ट हाफ में आपको ट्रेड करना है तो बेहतर है कि आप क्रूड ऑयल को अवॉइड करें। अगर नेरो CPR है उस कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे आज के दिन में नेरो CPR है, फर्स्ट कैंडल ही मेरा बुलिश कैंडल बना है तो मेरा टारगेट रहेगा R1 प्रीवियस डे हाई, क्योंकि प्राइस जो है CPR के ऊपर है। और अगर ओपनिंग ट्रिक देखें तो ओपनिंग ट्रिक के हिसाब से भी डेज ओपन के ऊपर में कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, और जो नेरो CPR होने की वजह से हम इसमें टारगेट रख सकते थे, जो हमारा R1 या प्रीवियस डे हाई उसका टारगेट लेके हम इसमें एंट्री कर सकते थे। तो क्रूड ऑयल का बिहेवियर यही देखने को मिल रहा है कि सेकेंड हाफ में इसमें ज़्यादा मूवमेंट आता है। तो अगर आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो सेकेंड हाफ में ही ट्रेड कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होप आपको ये डिलीवरी क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।